नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोडा एस के बारे में। सोडा एस कैसे बनता है और इसका क्या फार्मूला होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँच सके। देखिए, सोडा एस मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ। सोडा एस बनाने के लिए सबसे पहले आपको तीन कंटेनर लेना होगा, एक दो तीन, और एक होता है चूना भट्टी। ठीक, अब यह बनता कैसे है देखिए। इसमें आप लोगों को चूना भरना है। जो चूना मार्केट में बिकता है चूना पत्थर, इसमें चूना भरा जाता है। ठीक, और इसके नीचे आग जलाई जाती है, हीट। मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाऊंगा कि सोडा एस कैसे बनता है। ठीक, चूने को गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको नमक का गाढ़ा घोल बनाना होता है, जैसे नमक और उसमें थोड़ा पानी। ठीक, इसमें आप लोगों को नमक का गाढ़ा घोल, बहुत गाढ़ा घोल होता है यह। नमक ज़्यादा रहता है, पानी कम रहता है। ठीक, यह हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे सोडा एस कैसे बनता है, क्योंकि देखते होंगे सोडा एस का खपत बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसमें आप लोगों को नमक का गाढ़ा घोल बनाना होता है, और इसमें आप लोगों का रहता है अमोनिया गैस, इसमें आप लोगों का अमोनिया गैस रहता है। ठीक, अब इस नमक के घोल में अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है, इसमें अमोनिया गैस को मिलाना होगा। ठीक, और इसके बाद यह इसमें मिलने के बाद में यहाँ से आपका निकलेगा, यहाँ पर एक फिल्टर होता है इसे छानने के लिए। इसमें से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें से क्या निकलेगा। इसमें से आप लोगों का निकलेगा, फाइनली निकलेगा अमोनिकल ब्राइन। ठीक, यहाँ से आप लोगों का निकलेगा तो इसमें थोड़ा सा इसमें और भी गैस बन जाता है थोड़ा सा, तो उसी को छानने के लिए यह फिल्टर बना रहता है। ठीक, अब यहाँ से आप लोगों का यह हो गया, और यहाँ से अमोनियम अमोनिकल ब्राइन जो निकलता है वो थोड़ा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक टैंक होता है, इसमें ठंडा पानी भरा होता है। ठीक, और यह एक पाइप के द्वारा यहाँ से आता है। यह आपका केमिकल निकल गया, आपका गैस निकल गया अमोनिकल ब्राइन। अब अमोनिकल ब्राइन को आपको दूसरे टैंक में इसे प्रवाहित करना होगा। ठीक, यहाँ पर यह आएगा, और यह आपका जो चूना हो रहा है गर्म, यहाँ से आपका जो गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसका और इसका एक में क्रिया होता है, रिएक्शन होता है। ठीक, अब रिएक्शन करने के बाद में यहाँ से जो निकलता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहाँ से आपका क्या क्या निकलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से आपका तीन निकलेगा गैस। यहाँ पर आपको एक फिल्टर और रहता है, यह उसे छान देता है। ठीक, तो यहाँ से छानने के बाद यहाँ से आपका निकलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, यहाँ से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट निकल गया,
और यहाँ बचे आपका अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडा ऐश बनाने में किसी भी रॉ मटेरियल का वेस्टेड नहीं होता है, जैसे कोई इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलता है। ठीक, जैसे इसका कोई मटेरियल आपको वेस्टेज नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से आपको ये जो अमोनिया का गैस का टंकी होता है, यहाँ से इसे आप लोग यहाँ पर भेज देंगे। यहाँ से जो अमोनियम क्लोराइड अमोनियम बाइकार्बोनेट निकला है यहाँ पर आ जाता है। ठीक, अब देखिए यह चूना जो आप इसे हीट करेंगे, जैसे यह चूना हीट होता है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, और यहाँ जो बचा हुआ है इसका राख जला हुआ जो बचा हुआ है चूना, बुझा हुआ चूना, इसमें वाटर मिलाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर वाटर मिलाने से यहाँ से एक गैस निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा यहाँ से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया गैस मार्केट से एक बार ही लाना पड़ेगा। यह जैसे जो लोग काम करते हैं अमोनिया गैस, इन्हें जैसे बार बार नहीं लाना पड़ता, एक बार वो मार्केट से लाएंगे, उसके बाद वह अपना इसी तरह से चक्र चलता रहेगा। ठीक, अमोनिया गैस यहाँ पर आया, यहाँ से फिर होते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर अमोनिया गैस बन जाएगा। यहाँ जो निकला है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे हीट करने पर वो सोडा एस बन जाता है। ठीक, यहाँ से जो पाउडर निकला है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे गर्म किया जाता है, उसके बाद वहाँ से बन जाता है सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, यही इसका फार्मूला है। ठीक, गर्म करने से सोडियम बाइकार्बोनेट, गर्म करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसे गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडा एस का यहाँ पर आपका मिल जाएगा, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक, पहले क्या हुआ, नमक का गाढ़ा घोल बना, उसके बाद उसे अमोनिया गैस यहाँ से आया, प्रवाहित हुआ, उसके बाद यहाँ से आपका निकला अमोनिकल ब्राइन। ठीक, अमोनिकल ब्राइन को ठंडा किया गया, उसके बाद आ गया ये आपका दूसरे कंटेनर में, और यहाँ पर आया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ से उसका रिएक्शन हुआ, तो यहाँ आपका निकल गया सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनिकल क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट निकला। यहाँ से फिल्टर से छना गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका अलग हो गया, उसे आपने गर्म किया, सोडा एस बन गया, और अमोनियम क्लोराइड अमोनियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर आया इस कंटेनर में, और जो होता है बुझा हुआ चूना बचा था उसमें पानी डाला गया, तो वहाँ से निकला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यहाँ से इसका फिर रिएक्शन हुआ, अमोनियम गैस फिर तैयार हो गया, इसी तरह से सोडा एस बनता है। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें। नमस्कार।